हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में लू चलना एक आम समस्या होती है। अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आज मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा जो आपको इन समस्याओं से बचाएंगे। दोस्तों, अधिक समय तक धूप में रहने से शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिर के अंदर दर्द होना, थकावट होना, चक्कर आना, तेज बुखार आना, माइग्रेन पेन होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ आने लगती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊँगा जो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं, साथ ही साथ लू चलने की समस्या से भी बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनका इस्तेमाल करके आप गर्मी के दौरान लू चलने की समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको धूप के अंदर ज़्यादा नहीं निकलना है। अगर आपको कोई आवश्यक काम है तभी आप बाहर निकलें, अदरवाइज आपको बाहर नहीं निकलना है। इसके अलावा गर्मी में लू से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ऐसा इसलिए होता है, यह आपकी प्यास को बुझाता है, साथ ही साथ शरीर के तापमान को भी कंट्रोल में रखता है। डिहाइड्रेशन की वजह से लू लगने की समस्या अधिक हो जाती है। ऐसे में आप हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। गर्मियों में लू से बचने के लिए आपको घरों के अंदर एलोवेरा जूस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लू चलने से एलोवेरा जूस बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यह आपके शरीर को शांत रखता है, बॉडी के अंदर एनर्जी देता है। एलोवेरा का इस्तेमाल करके आप हीट स्ट्रोक के बड़े से बड़े हमले से बच सकते हैं। इसके अलावा घरों के अंदर प्याज अवेलेबल होती है, आप प्याज का सेवन करें। प्याज का सेवन हमारे शरीर को अंदर और बाहर दोनों से ठंडा रखने में मदद करता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में आप कच्ची प्याज की सलाद के रूप में इस्तेमाल करें। अगर आपको धूप में कहीं बाहर जाना पड़े तो आप अपने जेब के अंदर प्याज को रख लें या फिर आप प्याज का रस पीकर बाहर निकलें। ऐसा करने से दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की लू नहीं लगेगी। इसके अलावा गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप आम पत्ता का इस्तेमाल करें। आम पत्ता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, जो कि कच्चे आम से बना हुआ होता है। यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी रहता है। इसे बनाने के लिए आप कुछ कच्चे हुए आमों को ले लें, इनको अच्छी प्रकार से उबालें, फिर इसके बाद आपको इसे ठंडे पानी में रख देना है। इन आमों का गुदा इस्तेमाल करना है। यह दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसमें आप थोड़ा सा धनिया, जीरा, गुड़, नमक और काली मिर्च को मिलाएं, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं। हीट स्ट्रोक यानी कि लू से बचने के लिए आप दिन भर में इस दवा को 1 से 2 बार इस्तेमाल करें। यह आपको लू लगने की समस्या से बचाती है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आप पुदीने और तुलसी का इस्तेमाल करें। पुदीने और तुलसी का इस्तेमाल करके गर्मी के मौसम में आप लू लगने की समस्या से बच सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर खाने से शरीर में सुखदायक प्रभाव डलता है, साथ ही साथ पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। लू से बचने के लिए आप आसान घरेलू उपायों में पुदीना और तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करें। इन दोनों को आप अच्छी प्रकार से मिक्स कर लें। 1 गिलास ठंडे पानी के अंदर इसे घोल लें। इसमें दोस्तों आपको 1 चम्मच शक्कर मिलाना है। इस मिश्रण को आपको रोजाना के तौर पर इस्तेमाल करना है। यह आपके लू लगने की समस्या को दूर करता है। गर्मियों के मौसम में आप छाछ का इस्तेमाल करके भी लू लगने की समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आप नारियल पानी का इस्तेमाल करके भी लू लगने की समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, घरों के अंदर सौंफ का पानी होता है, जो कि सौंफ के बीजों के द्वारा बनाया जाता है। सौंफ के बीजों के अंदर ऐसी पावर होती है जो हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। आपको 1 गिलास पानी को लेना है। इसमें आपको 1 चम्मच सौंफ के बीजों को डालकर रात भर के लिए रख देना है। सुबह उठकर आपको इसका इस्तेमाल करना है। यह दोस्तों आपके शरीर को शांत रखता है, शरीर को ठंडा रखता है और लू लगने की समस्या से बचाता है। इसके अलावा आप मौसमी फल खाएं, जो भी मौसम के अनुसार फल होता है उसका इस्तेमाल करें। यह आपको लू लगने की समस्या से बचाता है। आपको सभी प्रकार के जो ऑयली फूड होते हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारे यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।